एक पुणेरी नागरिक के रूप में मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि यह हमारी पुणेरी जनता के अधिकारियों और हमारे नेताओं की बेमिसाल प्रतिभा का और उनके दृढ़ संकल्पों के जीत का क्षण है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे अपने ओजस्वी विचारों से यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को मार्गदर्शन करें। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे यांच्यासह अशा अनेक प्रतिभाशाली साहित्यिक कलाकार समाज सेवक यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या पुण्य नगरीतील माझ्या बंधू भगिनींना नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रामदास अठावले जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संसद में मेरे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण, पुणे के मेयर मुरलीधर माहौल जी, पिंपरी चिंचवड़ की मेयर श्रीमती माई धोरे जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, इस समय देश आजादी के 75 वर्ष निमित्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत की आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु, गोपाल गणेश अगरकर, सेनापति बापट, गोपाल कृष्ण देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानड़े जी जैसे अनेक इस धरती के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहे रामभाव मार्गी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं आज बाबा साहब पुरंदरे जी को भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं। कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा,
युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी। आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। पहले शिलान्यास होते थे तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं का पूरा किया जा सकता है। आज मूला मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हो रहा है। आज पुणे को ई बसें भी मिली है। बानेर में ई बस के डिपो का उद्घाटन हुआ है और इन सब के साथ, और मैं उषा जी को अभिनंदन देता हूं, आज पुणे के अनेक विविधता भरे जीवन में एक सुहाना तोहफा आरके लक्ष्मण जी को समर्पित एक बेहतरीन आर्ट गैलरी म्यूजियम भी पुणे को मिला है। मैं उषा जी को, उनके पूरे परिवार को, क्योंकि मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूं, उनका उत्सव एक मन में लगन और काम को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहना, मैं वाकई पूरे परिवार का, उषा जी का अभिनंदन करता हूं। इन सभी सेवा कार्यों के लिए मैं आज पुणे वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ हमारे दोनों मेयर साहिबान को, उनकी टीम को तेज गति से विकास के अनेक काम करने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, पुणे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की चेतना के लिए मशहूर रहा है और साथ ही पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की जरूरत है और हमारी सरकार पुणे वासियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गरवारे में आनंद नगर तक पुणे मेट्रो में सफर किया है। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। 5-6 साल पहले हमारे देवेंद्र जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर वो लगातार दिल्ली आते रहते थे, बड़े उमंग और उत्साह के साथ वो इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहते थे।
मैं उनके प्रयत्नों का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोरोना महामारी के बीच भी ये सेक्शन आज सेवा के लिए तैयार हुआ है। पुणे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे हर साल